मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी उससे प्यार करो। ये आए। अरे कहना क्या चाहते हो? आ गया आ गया आ गया, फिर से वीडियो वाला आ गया। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी बीएसडी के। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इन भाई साहब के गाने की राइमिंग तो बहुत ही तगड़ी चल रही थी, बट आगे चलते चलते इन्होंने हक दिया। टिकटॉक बैन ही हुआ था और तब तक आगे ये हमारे पापी बच्चे जिनके लिए इंस्टाग्राम सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और वो इंस्टाग्राम पे आके करते हैं बकचोदी। जहाँ आजकल के 18-18 साल के लौंडे लड़की ढूंढते हैं, वहाँ ये 5 साल के निब्बा निब्बी आसकी करते हैं। और ये आसकी देख के मेरे कानों में तो बवासीर हो गया है और आँखों में भी बवासीर हो गया है, और तुम भी देखो और तुम्हारे भी कानों में और आँखों में दोनों में ही हो जाएगा बवासीर। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता। हे प्रभु, हे हरिराम, हे कृष्ण जगन्नाथम, ऐसे बच्चों को तो मैं क्या करूं ऐसे बच्चों का। मैं ऐसे बच्चों को तो बस जीते जी साथ में जहर की पुड़िया और हाथ में 12 साल की गुड़िया पकड़ा के गेंद पे लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। निब्बा निब्बी की आशिकी देख के दिमाग हो गया था मेरा बिल्कुल ही खराब। हर जगह से बवासीर होने के बाद मैं चला जाता हूँ डेली लाइफ हैक्स देखने, और जो मैं देखा वो मैं बता नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ। जय जोहार दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे कि पेन की मदद से हम लोग कोई भी चीज कैसे लिखेंगे। पेन को हिंदी में कलम भी कहते हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं पता था, अच्छा कि आपने बता दिया। हमें तो पता था कि हिंदी में पेन का मतलब डंडा होता है जो सीधे आपके गांड में दिया जाता है। तो पेन दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल पेन जिसमें कैप लगा होता है, एक होता है और नॉर्मल पेन उसमें होता है ई वाला सिस्टम होता है जिसको टुचुक टुचुक सिस्टम कहते हैं। एक बार दबाइएगा तो खुल जाएगा, एक बार दबाइएगा तो बंद हो जाएगा। ओह माय गॉड, टुचुक टुचुक सिस्टम, ओह वाओ, ये नया आया है क्या मार्केट में? मुझे नहीं पता था, थैंक यू आपने बता दिया। तो हम लोग ई वाला वीडियो में देखेंगे कि ई वाला क्या जिसमें ढक्कन लगा रहता वो वाला पेनवा कैसा यूज करेंगे लिखने के लिए। तो सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए आप देखिएगा कि यहाँ पे आप ढक्कन को पकड़िएगा, एक साइड बॉडी पकड़िएगा, इसको खोल दीजिएगा ऐसे करके। ऐसे करने से खुलेगा और ऐसे करने से बंद हो जाएगा, ठीक है? आप देख लिया, ऐसे करने से खुल जाएगा। और इसको खोलने का और एक तरीका है, आप इसे उंगली में पकड़िए और इस तरह करके करिएगा तो भी खुल जाएगा। तो आप सीख गए हैं कि पेन को कैसे खोलना है। अब पेन में आप मेरे पास एक और तरीका है पेन को खोलने का, शायद आपको पसंद ना आए, बट देखिएगा जरूर। वो पेन आपके गांड में डाल के और पक से नीचे खींच लेंगे तो भी पेन खुल जाएगा। बहुत तेज हो रहे हैं। देखिएगा इधर एक होता है रिफिल निकला रहेगा, जिधर रिफिल निकला रहता है उसको कहते हैं सीधा साइड, और जिधर रिफिल नहीं निकला रहेगा उसको कहते हैं उल्टा साइड। तो कभी भी लिखने के लिए हम लोग को सीधा साइड से लिखना होगा, तो इसके लिए हम लोग को उंगली जो है। अब तुम उस रिफिल की गांड में बत्ती बना के डालो या फिर अपने मुंह में, मुझे नहीं देखना तुम्हारा लाइफ हैक। सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। देश को संभालते। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।